तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। कह रहा है एक नेटवर्क है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी निकालना है। मतलब अगर मैं यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ ये, और ये प्लस और माइनस, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट उन सभी मेथड्स में से कौन सा बेस्ट है, और जब आप बहुत सारा पढ़ाई कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। अभी मैं आपको दो तीन मेथड बता देता हूँ, और अब देखो इसको समझ पाते हो। ये एक नेटवर्क है। अब जब मैं यहाँ से प्लस माइनस बैटरी कनेक्ट करूँ, यहाँ से प्लस टर्मिनल दूंगा बैटरी का, और इधर से मैं माइनस टर्मिनल दूंगा, यहाँ मेरा माइनस होगा। तो मान लो यहाँ से जो करंट आई जाएगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आई वन और ये आई टू। ठीक है, ये मैं फर्स्ट मेथड इसको बोलता हूँ। ठीक है, फोल्डिंग है, सिमेट्री है, बहुत सारे मेथड है, कभी कहोगे तो इस पर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ से आई वन जा रही है, तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये जो सर्किट है इस लाइन के एक्रॉस सिमेट्रिकली है, सिमेट्री है, मतलब जैसा इधर है वैसा इधर है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ से इस जंक्शन पे I1 जा रही है और इधर से I2 जा रही है, तो इस जंक्शन पे इधर से I1 आना चाहिए और इधर से I2 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। सिमेट्रिक मतलब यहाँ से I1 जा रही है तो इस जंक्शन पे इधर से I1 आना चाहिए और इधर से I2 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से I1 गई है तो I1 ऐसे चली गई, तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ I1 आया यार। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है इस जंक्शन पे, इसका मतलब ये हुआ कि I1 में ना तो कोई वैल्यू बढ़ा है और ना ही घटा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जंक्शन से इस पॉइंट पर I1 में ना कुछ ऐड हुआ ना कम हुआ, तो इस यहाँ से इस वाले पार्ट में कोई करंट ही नहीं गया I1 से। ठीक है, इस वाले पार्ट में कोई करंट ही नहीं गया, मतलब ये एक फॉल्स जंक्शन है, ये एक सूडो जंक्शन है। ठीक है, क्योंकि I1 से कोई करंट जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस सर्किट को मैं रीड्रा कर सकता हूँ कुछ ऐसा। तो इस सर्किट को मैं यहाँ से रीड्रा कर सकता हूँ कुछ ऐसा। अभी आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपको अनुभव हो जाएगा, और KVL KCL भी लगा सकते हो। तो इस सर्किट को मैं ऐसे यहाँ से मैं उठा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, यहाँ से आई अगर गई होगी तो यही आई यहाँ पर आई ही आएगी। अब हर एक का वैल्यू वन ओम है, ये भी वन 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 है, और ये भी वन ओम है। ठीक है, तो ये दोनों किस में हो गए बोलो, तो ये दोनों हो गए सीरीज में। ठीक है, और वन टू सीरीज में, टू और टू इस पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में हो गए, तो टू और प्लस टू और ये पैरेलल में हो गए, तो टू मल्टीप्लाइड बाई वन और टू प्लस वन, दैट इज टू बाई थ्री। तो ये जो ये टू हो गया, इस पूरे की वैल्यू हो गई टू बाई थ्री। तो इस सर्किट को रीड्रा मैं कर सकता हूँ और कुछ ऐसा, हाँ इसको मैं ऐसे रीड्रा कर सकता हूँ। बच्चों देखो, ये पूरा ये यहाँ से आ गया वन, और ये पहले से वन जमा पड़ा था, और ये इधर से, और ये इधर से आ गया प्यारे बच्चों, और ये यहाँ से आ गया। तो ये टू बाई थ्री इधर आ गया, और वन पहले से था, वन पहले से था, वन पहले से था, वन पहले से था। तो ये वन 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 और ये टू बाई थ्री, ये पूरा ऊपर ऊपर वाले सारे सीरीज में आ गए। तो वन प्लस वन प्लस टू बाई थ्री, तो वन प्लस वन टू बाई थ्री, और टू दैट इज सिक्स, दैट इज एट बाई थ्री। तो ये आ जाएगा एट बाई थ्री, और एट बाई थ्री और एट बाई थ्री, और ये दोनों सीरीज में हैं तो टू। तो फाइनली जो सर्किट दिखेगी तो वो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर में आ जाएगा 8 बाई थ्री और नीचे में आ जाएगा ये फाइनली, दैट इज़ 1 और 1 2, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी दोनों पैरेलल में हैं, तो 8 बाई थ्री और मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 8 बाई थ्री और प्लस 2। तो फाइनली जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 16 बाई थ्री एंड मल्टीप्लाइड बाई 16 बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई 14, और ये 3 ऊपर चला गया तो 3 ने 3 को करें, मतलब 8 बाई 7 फाइनली इसका इतना ओम सोल्यूशन है अक्रॉस द ए बी। ठीक है, तो ये
ये इसका फर्स्ट मेथड है इसको करने का 8x7, तो 8x7 दैट इज डी ऑप्शन सही है। इसी क्वेश्चन को आप और भी मेथड से कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ मेथड सेकंड, ठीक है। सेकंड मेथड इसको करने का जो तरीका है वो अगर यहाँ से देखोगे तो ये एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टूल है इधर सॉल्व करने का, ये एक ब्रह्मास्त्र है और अगर इसको समझ सकते हो तो समझो, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से अपने मन से हमें रेजिस्टेंस, हमको पता नहीं है किसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हम अपने मन से प्लस माइनस 100 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, 100 वोल्ट की बैटरी अपने मन से अप्लाई कर देते हैं और हमको पता है ए और बी के अक्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इन सभी का, ठीक है भाई। अगर हमने कोई कुछ रेजिस्टेंस है, ये नेटवर्क है आर, और हमने प्लस माइनस बी वोल्ट की बैटरी लगा दिया और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। ये तो ये वाला जो लॉजिक है वो काफ़ी अच्छा है, बट आपको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी नेटवर्क पे अच्छे से लगा दोगे तो ये काफ़ी अच्छे से इसे सॉल्व हो जाता है। तो अगर देखो ये 100 वोल्ट के अपने मन से लगा दिए तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 0 वोल्ट हो जाएगा और ये 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये 0 वोल्ट है 100 वोल्ट है तो यहाँ से ये देखो ये इक्वल है, ये आर है, ये आर है, तो ये आर है, ये भी आर है, तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 वोल्ट पे, ठीक है ना भाई। आर ये रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, तो ये 100 वोल्ट पे है, ठीक है, ये 0 वोल्ट पे है, तो ये पोटेंशियल इक्वल है, तो ये 1 और 1, ये तो 50 वोल्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 वोल्ट ये हमें नहीं पता, इसको मान लिया मैंने एक्स, तो अगर इसको एक्स मान लिया तो इधर से करंट जा रही है तो उधर से मैं आ रहा हूँ, तो ये 100 माइनस एक्स आ जाएगा इस नोड की पोटेंशियल। थोड़ी सी इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बट ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अब अगर मैं यहाँ से जो करंट आई, यहाँ से इसमें करंट आई वन गई और इसमें करंट आई टू गई, तो अगर मैं रेजिस्टेंस देखूंगा, रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट आई वन प्लस आई टू, यहाँ से मैं I1 प्लस I2 टोटल करंट, मतलब मुझे I1 I2 की वैल्यू निकाल के लेके आऊँ और इस पे रख दूँ। तो अब मैं लगा देता हूँ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इस जंक्शन पे X पे, यहाँ पे समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 लगा देता हूँ, क्योंकि सभी का नोड का पोटेंशियल डिफरेंस पता है और ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये 1 ओम पता है। तो फॉर नोड एक्स पे, जहाँ नोड एक्स था, फॉर जंक्शन एक्स, तो जंक्शन एक्स के लिए लगा दूँ समेसन ऑफ करेंट इज इक्वल टू 0। तो ये अगला रूल में लगा दूँ, समेसन ऑफ करेंट आने वाली करेंट बराबर जाने, समेसन ऑफ करेंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपन रेजिस्टेंस दैट इक्वल टू 0, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से अगर किरचॉफ फर्स्ट लॉ अगर मैं लगाता हूँ तो अच्छे से देखो, ये यहाँ से इसका मान लो यहाँ से सभी करंट जा रही है, ये लगाने का तरीका है, ठीक है, बाद में प्लस माइनस आ जाता है, तो x माइनस जीरो अपॉन r इसके लिए, ठीक है, फिर इसके लिए बोलो प्लस समेशन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन r, तो x माइनस फिफ्टी पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस 1 प्लस इसके लिए x माइनस 100 माइनस x अपॉन r दैट इज इक्वल टू 0, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में लगा दिया। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस, तो x 3x और वो 4x, तो 4x इज इक्वल टू 51 150, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 75/2, तो 75/2 दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द x, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 75/2। तो अब अगर 75/2 आ गया तो मुझे करंट I1 I2 पता चल जाएगा, तो x की वैल्यू 75/2 आ गया, तो यहाँ से I1 इसकी वैल्यू निकाला जा सकता है, तो ये 100 वोल्ट है और ये 50 है, तो करंट I1 की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 50 और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R, मतलब ये आ जाएगा 50 एम्पीयर करंट I1 की वैल्यू आ जाएगी, और I2 की वैल्यू आ जाएगी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये
100 माइनस 100 और माइनस x की वैल्यू 75/2 और डिवाइडेड बाई 1 करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 100 और माइनस 200 और 175 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा इसमें डिवाइड कर दो 200 अगेन 175 25/2 तो फाइनली I1 I2 तो नेट जो करंट I की वैल्यू आ जाएगी नेट करंट वो I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगी। इधर हमने निकाला 25/2 और प्लस उधर निकाला हमने 50 ठीक है तो 50 और ये दैट इज 100 दैट इज 125/2 यहाँ देख लेते हैं एक बार ये 200 और 175 यहाँ गलती हो गया है यहाँ पर 125 होगा बच्चों तो 200 125 तो 200 और 175 आ जाएगा तो ये 75 आ जाएगा तो अगर ये 75 आ जाएगा तो 200 175 दिस इज द फाइनल करंट। अब जब फाइनल करंट पता चल गया I1 प्लस I2 का सम तो हमारा लॉजिक जो कहता है ये कहता है कि नेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 और समेशन ऑफ करंट 175 और डिवाइडेड बाय 2 ऊपर चला गया मतलब 200 अपॉन 175 तो 25 से काट दो तो 8/7 इज द फाइनल सोल्यूशन इतना रेजिस्टेंस होगा। तो देखो ऐसे भी आ गया और वैसे भी आ गया यार ठीक है तो आप इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे ठीक है तो हम इसको सिमेट्री 3-4 मेथड से और मैं करवा दूंगा चलो।